मार्केट ऊपर तब जाता है जब लोग खरीदते हैं और मार्केट नीचे तब आता है जब लोग बेचते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश का। इंडेक्स व्यू 18 अप्रैल 2023 के लिए। क्या हुआ? वह लगता तो ऐसा है कि जो इंफोसिस का रिजल्ट आया उसे काफी गिरावट देखी हमने और उसके बाद एक कोशिश की अपमूव मिलने की, लेकिन अब तक वीक है। इम्पोर्टेंट लेवल है 17,630 के अगर ऊपर रहता है तो निफ्टी वापस 17,750 और 17,850 जो हमारा प्रीवियस जो रेजिस्टेंस जोन था वहाँ तक वापस जा सकता है। अगर 17,630 ब्रीच हो जाता है तो लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। ये एक पॉसिबिलिटी है निफ्टी की। लेकिन बैंक निफ्टी क्या लगता है? वेल, बैंक निफ्टी का जो चार्ट देखें तो यहाँ पर तो स्ट्रेंथ है, गैप अप खुला, डाउन हुआ, फिर एक अपमूव मिला, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लेवल है 41,700 उसके ऊपर ही चला है बैंक निफ्टी। क्वाइट पॉसिबल जो नेक्स्ट टेक्निकल लॉजिकल टेक्निकल टारगेट जो हमने पिछले दिनों बात की थी वो थी 43,000 की, वहाँ तक जाने की क्षमता रखता है। गुड चांस बैंक निफ्टी अब भी स्ट्रॉन्ग है और 43,000 शायद देखने को मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी 43 ज़्यादा जाता है तो निफ्टी ज़्यादा नहीं गिरेगा और निफ्टी ने अगर रिलायंस ने साथ दिया तो एक अच्छा अपमूव मिल सकता है। बस मार्क कीजिए पॉइंट्स और ट्रेड कीजिए पॉइंट्स, क्योंकि भाग भगवान है।